गुड इवनिंग, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज 1 जुलाई 2019 में जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था तो उसका मैथ सोल्यूशन आज करेंगे। मैथ पेपर का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 2 पूर्णांक 1/3 घंटे लगे। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितना है? ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, पहले समझाते हैं कि ये डी किलोमीटर टोटल दूरी है। कोई व्यक्ति डी किलोमीटर की दूरी तय किया, ये प्रारंभिक बिंदु है, शुरुआती बिंदु है, तो वह कितना का स्पीड से चलना शुरू किया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह व्यक्ति डी किलोमीटर की दूरी जो तय करना है चलना शुरू किया यहाँ से। उसके बाद वह एंड पॉइंट यहाँ पर अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। उसके बाद यहाँ से वापस लौटता है, डी किलोमीटर दूरी ही तय करता है, प्रारंभिक बिंदु पर आता है, लेकिन कितना का स्पीड से लौटता है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लौटता है। तो देखिए इस दरमियान उसे कुल समय कितना लगा? 2 पूर्णांक 1/3 घंटा, मतलब इसे बोल सकते हैं 7/3 घंटा का उसे टोटल समय जाने और आने में लगा। तो इसका पहला तरीका देखिए, बाई फार्मूला, मतलब कुल तय दूरी आपको निकालना है। तो कुल तय दूरी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम बराबर औसत चाल। औसत चाल मतलब क्या? एवरेज स्पीड, इसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इंटू टाइम टेकन, मतलब कितना समय लगा। हिंदी में भी इसे लिख देते हैं कुल दूरी, या कुल तय दूरी भी इसे लिख सकते हैं। कुल तय दूरी बराबर क्या हो गया? औसत चाल। कुल तय दूरी बराबर औसत चाल गुना समय। तो ध्यान से देखिए, इसे बेसिक से भी बता देंगे, पहले देखिए इसका फॉर्मूला मेथड। औसत चाल क्या होता है? जब निश्चित दूरी तय करता है, x के स्पीड से जाता है और y के स्पीड से आता है, वही दूरी दूरी समान रहता है, तो 2xy/x+y, तो कितना होता है? 2x कितना? 12, y कितना? 9, बटा x+y, मतलब 12+9, ये हो गया औसत चाल। समय कितना लिया? 7/3। इसे हल करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हैं। देखिए कितना हो गया, 2 × 12 × 9 / 21 हो गया 12 और 9, ये 7/3। हल कीजिए, ध्यान से देखिए, 7 × 21, 3 × 3 = 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 12 कितना चलाया? 24 किलोमीटर। मतलब टोटल कितना दूरी तय किया? 24, यहां से यहां जाने और वापस आने में से कुल 24 किलोमीटर दूरी उसने तय किया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, जो इसका दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। मेथड सेकंड इसका देखिए, मेथड सेकंड कुछ नहीं है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। इसे हम हिंदी में लिख देते हैं, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल आप बचपन से जानते होंगे। तो देखिए 7/3 घंटा उसे टोटल समय लगा, तो इधर समय लिखना है हमें, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो डी किलोमीटर दूरी तय करता है कितने का स्पीड से? 12 का स्पीड से। फिर डी किलोमीटर दूरी ही वापस आता है 9 के स्पीड से। तो देखिए इसे हल करेंगे तो d हम कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो इधर कितना हो जाएगा? 1/12 + 1/9, ये कितना हो जाएगा? 7/3। इधर 7/3 है, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 12 21 हो जाएगा, मतलब 21 बटा नीचे 9 × 12 लिख सकते हैं। अब इसे हल कीजिए जैसे भी हल करना हो, 7 × 21 और ये 3 × 3 = 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना चला है? 12, मतलब d बराबर 12 आया। यहां से यहां दूरी कितना हो गया? 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर वापस आया, मतलब 12 जाने में 12 किलोमीटर आने में, तो टोटल दूरी, या ऐसे भी बोल सकते हैं d ऐसे जाने में और d इस तरफ आने में, मतलब टोटल दूरी 2d हो जाएगा, मतलब 2 × 12, तो कितना? 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर कितना है? डी हो जाएगा आंसर आपके प्रश्न का। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का दोनों तरीका से आपको सॉल्यूशन बताए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, षटभुज के आकार का एक मैदान का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर² है, 1.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 52, जिसे सेकंड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, षटभुज आकार, जिसे आप हेक्सागन भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, या केमिस्ट्री में पढ़े हो तो इसे बेंजीन भी बोलते हैं। हेक्सागन इस प्रकार से होता है, आप हेक्सागन बनाना जानते होंगे, ये हेक्सागन हो गया, तो इस हेक्सागन में मान लीजिए उसका ये सेंटर पॉइंट है जिसे केंद्र बोलते हैं,
इसे हमने इस प्रकार मिलाया, सभी शीर्ष से अगर जो मिलाएंगे तो टोटल कितना सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, 6। देखिए पहला ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब टोटल 6 ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इसे ध्यान से देखिए, हम यहां पर आपके प्रश्न में दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल दिया है 2400√3, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजास्क्वायर। तो इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजास्क्वायर। भुजा हमने मान लिया कि ए है, तो ये 6 भुजा है तो 6 ए हो जाएगा। इसका परिमाप, इसका परिमाप अगर जो हम लिखना चाहें तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योगफल, मतलब a+a+a+a+a करेंगे 6 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 6a, a a a a जोड़ेंगे 6 बार तो परिमाप हो जाएगा 6a। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक का क्षेत्रफल होता है कितना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो ऐसा ऐसा 6 है तो 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा ये शतभुजाकार का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है 2400√3, ये आपके प्रश्न में दिया गया है इसका क्षेत्रफल 2400√3 है। तो इसे हल करेंगे यहां से हम, तो ध्यान से देखिए आप पाएंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 × 24 400 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 400 × 4 मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1600, तो ए बराबर कितना हो जाएगा √1600 मतलब ए बराबर 40 चलाया। परिमाप कितना है 6, आपको क्या निकालना है कि 1.5 रुपया प्रति मीटर, प्रश्न में दिया है क्या 1.5 रुपया प्रति मीटर, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना मतलब ये जो फील्ड है तो चारों तरफ इस तरह से हमें घेरा लगाना है, मतलब यह तार लगाना है चारों तरफ इस मैदान में। तो ये 1 मीटर प्रति मतलब क्या होता है, यानी कि 1 मीटर में लगता है 1.5 रुपया। इसे अगर जो हम पूर्णांक में लिखे तो 18 × 1/2 भी लिख सकते हैं रुपया, मतलब 1.5 रुपया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 × 36 = 37/2 रुपया, मतलब 1 मीटर का लगता है बाड़ लगाने का खर्च 37/2 रुपया। पहले तो इसका परिमाप टोटल कितना लंबाई है जो हमें निकालना होगा, मतलब टोटल लंबाई चारों ओर की लंबाई मतलब परिमाप, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 6a, तो 6 × 1 कितना चलाया 40। तो देखिए ध्यान से, 1 मीटर का खर्च है 37/2, तो टोटल इतना मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, इतना गुना 37/2। इसे हल करेंगे तो ये 2 से 2 × 6 तो 3 × 40 × 37, मतलब 1 0 तो पहले हो जाएगा, तो 4 × 12 ×37 करेंगे 62 × 84 हाथ में 8 रहेगा, और 32 × 36 = 8 = 44, यानी कि आपके आंसर कितना चलाया 4440 रुपया, 4440 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना है डी, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, भुजा इसका 40 चलाया, भुजा 40 चलाया तो टोटल चारों ओर लंबाई कितना है, इसका परिमाप हमने निकाल लिया कितना 6 × 40 हो गया चारों ओर की लंबाई। तो 1 मीटर का खर्चा है, मतलब यहां से यहां मान लिया कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर का खर्चा है 1.5 रुपया, तो टोटल 6 × 40 मतलब 240 मीटर का खर्चा कितना होगा, तो 240 × 37/2, या पैसे भी बना सकते 1 मीटर का खर्च है 37.5 रुपया, या कितना 1.5 रुपया, तो 240 मीटर का खर्च कितना होगा, 240 मीटर का खर्च होगा 240 × 37/2, तो ये हल करेंगे तो 120 × 37 मतलब कितना चला जाएगा 4440 रुपया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को बनाया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुके हैं, हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कर रहे हैं, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, बिंदु ए से किसी वृत्त पर AB और AC स्पर्श रेखाएं इस तरह खींची जाती है कि कोण BAC 40 डिग्री है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे फिगर बनावेंगे। बिंदु ए से किसी वृत्त पर, कोई सबसे पहले वृत्त है, ये वृत्त है, ये मान लिया कि इधर कोई बिंदु है, ये मान लिया बिंदु ए है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो मान लिया कि ये बिंदु यहां पर हम दे देते हैं, और ये मतलब ये जो बिंदु है, बिंदु का नाम दे दिया हमने ए। बिंदु ए से किसी वृत्त पर, ये बिंदु ए से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है AB और AC। AB तो पहला हमें यहां नाम दे दिया B, और ये कितना हो जाएगा C। AB और AC स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, टेंजेंट TANGENT टेंजेंट होता है, टेंजेंट में स्पर्श रेखा, तो सब में D लिखते समझने के लिए आप जानते होंगे ये स्पर्श रेखा है। बिंदु A से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम AB या AC है, यहां तक आप समझे होंगे। आगे देखिए,
कोण बी ए सी 40 डिग्री है, बी ए सी ये कोण दिया है कितना 40 डिग्री। आगे देखिए ये वृत्त का सेंटर होगा, ये वृत्त का क्या है सेंटर है, तो सबसे पहले यहां से हम ये मिला देते हैं, ये क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा सबसे पहले, और ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जिसे आर से डिनोट करते हैं, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री पर मतलब समकोण बनाती है, मतलब ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, ऑटोमेटिक आप जानते होंगे ये वाला भी कोण 90 डिग्री होगा। तो इसे हम लिखते हैं ना समझने के लिए, आप ऑटोमेटिक आप इतना जानते होंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, जो आगे प्रश्न में बोल रहा है एक जीवा सीपी बीए के समांतर खींचा जाता है, सीपी सीपी पी देना है हमें किसके समांतर, बीए के समांतर, बीए ऐसा समांतर मतलब क्या होता है ये समांतर रेखा हो गया, तो इस प्रकार ये बीए है तो इसी प्रकार हमें खींचना है, मतलब यहां से इस तरह हमने एक रेखा खींच दिया जिसका नाम क्या दे दिए सीपी या पीसी भी बोल सकते हैं, तो ये बीए समांतर क्या हो गया पीसी हो गया। आगे देखिए कोण सीबीपी की माप कितना होगा, आपको निकालना है सीबीपी, मतलब यहां से हम पहले इसे ड्रा कर देते हैं यहां, और ये वाला भाग हम यहां से इस प्रकार से ड्रा कर देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मतलब इसमें हम एडिट कर रहे हैं इसे मिला रहे हैं, मतलब पी को बी से मिलाए और बी को सी से मिलाए हैं, आपको ये वाला भाग पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, जो यही कोण मतलब इसका नाम क्या है सीबीपी, कोण सीबीपी का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए इसे कितना अच्छा से आपको समझाते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा गया है, आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल नहीं एक क्वाड्रिलेटरल जिसे चतुर्भुज बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए जो बन रहा है, जो ये चतुर्भुज है तो ये स्पर्श रेखा है टी, ये स्पर्श रेखा टी है और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या तो ये समचतुर्भुज हो गया, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं समचतुर्भुज हो गया, तो ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री है, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो ऑलरेडी पहले से 90 180 है 40 है तो ये कितना होगा, ये तो 180 हो गया मतलब 180 डिग्री हो गया प्लस 40 डिग्री हो गया, तो और 180 हमें करने के लिए 140 पूरा करना होगा, मतलब यहां पर कितना होगा ये कितना होगा 140 डिग्री। कितना आप समझ चुके होंगे कि ये वाला कोण कितना होगा 140 डिग्री, 90 180 हो गया, ये दोनों जोड़कर भी 180 होना चाहिए, तो यहां 40 है तो यहां कितना रहेगा 140 रहेगा तो 180 हो जाएगा, मतलब इसका नाम हम दे देते हैं, यहां नाम दे देते हैं इसका ओ, तो ये 140 हो गया। सबसे पहले आप ये समझे, अब ये देखिए आप जानते होंगे थ्योरम से कि परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, या केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर के कोण का दुगना होता है, मतलब यहाँ 140 है तो यहाँ कितना होगा 70। ऑटोमेटिक आप ये थ्योरी जानते होंगे कि परिधि पर जो कोण बनता है केंद्र पर कोण का आधा होता है, या परिधि पर इस दूसरा तरह से बोल सकते हैं केंद्र पर जो कोण बनता है वो दुगना होता है परिधि पर के। अब देखिए दूसरा तरीका, हमें ये वाला कोण निकालना है, ये कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो देखिए अब इस ट्रायंगल में हम देखने जा रहे हैं, इस ट्रायंगल जो है ये यहां इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला कोण 140 है, तो यहां ध्यान से देखिए ये आर है ये आर है, तो ये त्रिभुज जो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है तो दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब इस त्रिज्या के सामने वाला कोण ये वाला होगा और इस त्रिज्या मतलब इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण x तो ये वाला भी कोण x होगा, तो ध्यान से देखिए ये टोटल यहां से यहां 90 है 90 है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180, मतलब x प्लस 140 बराबर 180 होना चाहिए, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, मतलब 2x प्लस 140 बराबर कितना हो जाएगा 180। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए जिसमें से 140 है, तो ये दोनों कितना होगा मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा 140 इधर घटा देंगे तो 40 यानी कि x बराबर 20 डिग्री, यानी कि ये वाला 20 है तो ये वाला भी कितना है 20 है, इतना आप समझ चुके होंगे, ये 20 है टोटल यहां से यहां 90 है, टोटल यहां से यहां 90 है तो ये कितना हो जाएगा 70। यहां पर भी देख सकते हैं ये टोटल 90 है, ये वाला 20 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 70, इतना आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखिए क्या हम करने जा रहे हैं, जो ये वाला भाग को आगे बढ़ाएं समझने के लिए, ये वाला भाग को इस तरह बढ़ाएं, मतलब ये आप जानते होंगे दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसी प्रकार से ये वाला
समानांतर रेखा हो गया, ये वाला समानांतर रेखा हो गया, तो इसे हम मान रहे हैं तिर्यक रेखा मान रहे हैं। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ध्यान से देखिए, ये इसे हमने तिर्यक रेखा माना, तो ये वाला कोण 70 डिग्री है, ये वाला कोण 70, तो ये वाला भी कितना होगा 70 डिग्री, इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इतना आप समझ चुके होंगे, मतलब ये वाला 70 डिग्री हुआ तो ये 70 हो गया। इस ट्रायंगल में देखें तो मतलब ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं बीपीसी, जिसमें से दो कोण आपको मालूम है, ये 70 ये 70, मतलब कोण बी 70 है, कोण ये 70 है, तो टोटल कितना हो गया 70 140 हो गया। तो ये वाला कोण कितना होगा, टोटल ये वाला कोण कितना होगा 40 डिग्री होगा, तभी जोड़कर 180 होगा, मतलब ये वाला कोण कितना होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री में से ये वाला कोण 20 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 20 डिग्री होगा, या पूरा टोटल यहां से यहां कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो हमें यही कोण निकालना था, तो इसका मान कितना चला गया 40 डिग्री चला गया। आप जैसे भी इसे बना सकते हैं, हमने सिंपल वे में इसे समझाया, फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। यहां 40 दिया था, तो ये वाला कोण कितना होगा 140, क्योंकि ये ये चतुर्भुज बन रहा है, तो इस चतुर्भुज में ये 90 है, ये 90 है, तो ये 40 है, मतलब 90 180 हो गया, तो 40 है, तो ये 140 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा ये चतुर्भुज में। अब देखिए यहाँ 140 हो गया, तो ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो यहाँ 70 इसका आधा होगा, यहाँ 70 डिग्री। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया कि यहाँ 70 डिग्री हो गया, अब कंसेप्ट लगाए कि इस ट्रायंगल में हमने देखा कि ये 140 डिग्री है, तो ये वाला ये आर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये मतलब इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे, तो 140 है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब x x 2x मान लिए तो 140 है, और 180 में से 140 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 को दो बराबर 40 को दो बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब 180 में से 140 घटाएं तो 40 हो गया, और 2x बराबर 40 तो x बराबर 20, मतलब ये 20 तो ये वाला भी 20 हो गया, और टोटल यहां से यहां 90 है, तो ये 70 हो गया। आप देखिए हमने क्या कि ये वाला समानांतर रेखा लेंगे और ये तिर्यक रेखा लेंगे, तो ये वाला कोण 70, तो ये वाला कोण 70। आप देख रहे हैं इसके बाद ये वाला ट्रायंगल में देखें, ये 70 हो गया, ये भी 70, तो ये वाला कोण कितना होगा 70 140 हो गया, 180 टोटल ट्रायंगल में होता है, तो ये वाला कितना होगा 40 डिग्री होगा। इस प्रकार हमने इसे बनाया, आप इसे समझ चुके होंगे, हमने इतना डिटेल से इस क्वेश्चन को समझाया। आप किसी भी बुक में देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत ही जटिल है, हमने इसे बहुत ही इजी वे से आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री का था, बहुत ही टफ क्वेश्चन आपके नजर में होगा, लेकिन हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से कंसेप्चुअल थ्योरी सहित कैसे ये हुआ, आधा केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का दुगना होता है, हमने इसका परिमेय जो होता है वो सहित आपको बताया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन डीआई वाले क्वेश्चन है। दिया गया डंडा लेख 2014-2015 के दौरान एक कंपनी द्वारा निर्माण किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए 2000 मतलब ए में जो है 2014 वाला किस प्रकार है डार्क है, और 2015 वाला किस प्रकार है थोड़ा व्हाइट है। तो ए टाइप में दिया गया है भेस्कस में कि 2014 में 27 को खरीदा और 2015 में 35 खरीदा, उसी प्रकार से बी टाइप में 2014 में 25 व्हीकल्स खरीदा और 2015 में 33, उसी प्रकार से सी में 2014 में 43 और 2015 में 40। आप समझ चुके होंगे, तो क्वेश्चन देखते हैं 2014 में निर्यात किए गए ए और सी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या। 2014 में बोल रहा है ए और सी, 2014 में ए और सी मतलब ए प्लस सी, और 2015 में बोल रहा है बी और ई, 2015 वाला निकालना है बी और ई। तो ध्यान से देखिए 2014 वाला हमें निकालना है ए और सी का, तो ए में 2014 में ए का कितना है, ध्यान से देखिए ये मतलब क्या डार्क वाला जो है मतलब ज्यादा कलर किया हुआ है जो, तो ए में कितना है 27, 2014 में ए में 27 है, और सी में कितना है मतलब सी वाले टाइप में देखें तो 2014 में कितना है 43 जो डार्क वाला है वो, उसी प्रकार से 2015 वाला देखना है बी में, तो बी में 2015 में कितना है मतलब जो व्हाइट वाला है कितना है 33, उसी प्रकार से ई वाले टाइप में देखिए 2015 में कितना है 57, बस इसे हल करेंगे 37 कितना हो गया 30 और 40 70, ये कितना हो जाएगा 57 3 60 और 30 90, इसका रेशियो पूछ रहा है तो 7:9 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एसआई और सीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, इसे आप पंचमाही वाला क्वेश्चन जानते होंगे, जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो क्या करते हैं आप जानते होंगे कि दर को आधा करते हैं, समय को दुगना करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पंचमाही है, तो कैसे बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को, 12,000 रुपया की राशि 12% प्रति वर्ष या वार्षिक भी से बोल सकते हैं कि दर से एक पूर्णांक 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। तो देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55 में मूलधन कितना दिया गया है 12,000, मूलधन दिया गया है 12,000 रुपया, और देखिए ध्यान से मूलधन 12,000 रुपया दिया गया है, दर कितना दिया गया है, दर दिया गया है 12% वार्षिक, 12% प्रति वर्ष, या इसी को वार्षिक भी बोल सकते हैं, 12% प्रति वर्ष। लेकिन समय क्या दिया है, समय दिया है 1/4 वर्ष में पंचमासिक, मतलब पंचमाही दिया है, समय ये दिया, समय दिया है 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष में पंचमासिक, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो इसे कैसे बनाएंगे जो ध्यान से समझना है, आर बराबर दिया है 12% प्रति वार्षिक, तो इसे कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए, प्रति वार्षिक दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं 12% प्रति 12 माह, 12% प्रति 12 माह, वार्षिक मतलब एक साल होता है तो इसे 12 माह भी लिख सकते हैं, 12% प्रति 12 माह के लिए लग रहा है तो 1% प्रति माह के लिए लगेगा, प्रति मतलब एक होता ही है, एक माह के लिए लगेगा, तो हमें देखिए यहाँ दिया है पंचमासिक, मतलब पांचवा माह पर ब्याज लगेगा, यानी कि 5% कैसे होगा, तो 5% प्रति 5 माह के लिए लगेगा, तो ये वर्ष कितना टोटल है, 1/4, इसे लिख सकते हैं 1+1/4, मतलब एक वर्ष पूरा यानी 12 माह हो गया, और ये देखिए 1/4 ये है, 1/4 मतलब इसे वर्ष महीना में बदलेंगे तो 1/4 × 12 यानी कि कितना हो गया 3 माह, तो 12 माह और 3 माह मतलब टोटल कितना हो गया 15 माह, 15 माह को हमें करना है पंचमाही, पंचमाही मतलब क्या हो गया कि 5-5 माह पर आपको ब्याज लगेगा, 5-5 माह पर ब्याज लगेगा, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि 5% इसे 3 भाग में बांट देते हैं 5-5 माह पर, यानी कि 15 माह आपको ब्याज देना है और 5% प्रति 5 माह पर, इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इसका आपको निकालना है सीआई और एसआई का डिफरेंस, ये हमने आपको क्वेश्चन समझाया, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिए, पहले एसआई क्या होगा, जो तो एसआई क्या होता है आर इंटू टी प्रतिशत, तो आर कितना दिया है 1/4, इसे लिख सकते हैं कितना 5/4, या आर पहले लिख देते हैं कितना 12, और टी कितना दिया है 1/4, तो इसे 5/4 लिख सकते हैं, कितना परसेंट हो गया, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 15%, ये आप समझ चुके होंगे कि एसआई का परसेंट कितना है 15%, तो सीआई कितना होगा, सीआई परसेंटेज में कितना होगा, तो सबसे पहले ये दोनों का निकालेंगे कि सीआई कितना है 5% और 5% का, तो आप जानते हैं इस प्रकार निकलता है 5+5+5×5/100, इस प्रकार से निकलता है, तो ये कितना हो जाएगा 10+ 25/100, यानी कि 10.25 हो जाएगा, ये 10.25 हो गया, इतना आप समझ चुके होंगे, तो 10.25% और 5%, अब ये दोनों का निकालना है हमें एक साथ, ये दोनों का एक साथ निकालेंगे, मतलब 10.25+5+10.25×5/100, इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे इसे हल करते हैं, जो ये कितना हो जाएगा सबसे पहले 15.25, इसे हल करेंगे मतलब 5 से गुना कीजिए पहले, तो 25 हो जाएगा, 15 × 10 = 12, ये 1 हो जाएगा 5, और 2 अंक पहले से दशमलव है या दशमलव हटा देते हैं, नीचे 2 जीरो और हो जाएगा, अब इसे हल करते हैं मतलब ये पॉइंट में इतना हो जाएगा, इसे जोड़िए मतलब 15.25 और ये 5125 जोड़ते हैं तो 25 ये 67 मतलब 15.7625 हो गया, 15.7625 बोल सकते हैं, मतलब सीआई कितना हो गया, सीआई हो गया 15.7625%, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 15, इतना में से ये घटा देंगे यानी कि सीआई माइनस एसआई कितना हो गया 0. यहां हम लिख देते हैं सीआई माइनस एसआई कितना हो गया 0.0, ये हो जाएगा मतलब 7672
2.5%, ये आप समझ चुके होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, इस प्रश्न को इतना हमने समझाया बनाना का जो होता है, तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप करते हैं जो करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, सीआई माइनस एसआई मतलब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। प्रश्न में मूलधन दिया है कितना, 12,000। प्रश्न में मूलधन दिया है 12,000, परसेंट मतलब मूलधन कितना होता है 100। आपको निकालना है सीआई माइनस एसआई मतलब डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.7625। बस इसे सिर्फ हल करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हल कर दीजिए तो एक जीरो पहले हो जाएगा, 12 से इतना में गुना कीजिए, 12 × 5 = 60, हाथ में 6 रहेगा, फिर 12 × 2 = 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हाथ में 3 है। उसके बाद देखिए 12 × 6 = 72 और 3 × 75, हाथ में 7 है, फिर बढ़ सकते 84 × 7 = 84 कितना हो जाएगा 91। दशमलव 1, 2, 3, 4 अंक, 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ दशमलव बैठेगा, यानी कि आपके प्रश्न का आंसर चल जाएगा 91.5। दशमलव के बाद कोई अंक होता है उसके बाद जीरो होता है, ये नेगेटिवल होता है, यानी कि 91.5 ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इतना इतना एक्चुअल वैल्यू ये हो गया, इतना रुपया या जो भी होगा इतना रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं रखा था, इसे सिंपल समझना था और इसे बनाना होता। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, जो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया जाता है, कोण सीबीडी और बीसीई के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, कोण 72 डिग्री है तो कोण पी की माप बताइए। एक थ्योरी होता है आप जानते होंगे, ये मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी है, आप पहले से जानते होंगे इस प्रकार के प्रश्न को बनाना, लेकिन फिर भी बताते हैं, इसे मौखिक भी बना सकते हैं। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को बढ़ाया जाता है, एबी को बढ़ाए इस प्रकार से और एसी को बढ़ाए इस प्रकार से, क्रमशः कहां कहां तक नाम दे दिए कि ये डी तक बढ़ाया गया है, ये ई तक बढ़ाया गया है। फिर कोण सीबीडी, सीबीडी मतलब इस कोण का समद्विभाजक ये खींचे, उसके बाद बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इसके बाद बीसीई, बीसीई इस कोण का समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब दोनों यहां पर मिला, इसका नाम क्या दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया पी, तो ये कोण का माप कितना होगा जो आपसे पूछ रहा है। तो ये आपके दिया गया है प्रश्न में, बी ए सी कितना दिया गया है 72 डिग्री, कोण बी ए दिया गया है कितना 72 डिग्री, मतलब कोण बी ए सी 72 डिग्री दिया गया है, तो ये कोण पूछ रहा है, ये कोण आप मतलब कोण पी निकालना है, तो किस प्रकार निकालता है आप जानते होंगे कि 90 डिग्री माइनस यहाँ जो कोण दिया रहता है उसका हाफ मतलब 72 डिग्री / 2, यानी कि 90 डिग्री में से 72 का आधा 36 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 डिग्री, मतलब 54 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है ए, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 56 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर आ चुके होंगे, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपया की हानि होता है, तो हानि का परसेंट कितना है। ध्यान से देखिए अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है कितना, अंकित मूल्य 600 रुपया दिया गया है आपके प्रश्न में, छूट कितना दिया गया है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 25%, 25% जिसे छूट भी बोल सकते हैं, 25% छूट दिया गया है आपके प्रश्न में, 25% छूट दिया गया है, तो और 30 रुपया की हानि, लॉस कितना दिया गया है, लॉस दिया गया है 30 रुपया, तो आपसे यही प्रतिशत लॉस पूछ रहा है आपके प्रश्न में। ध्यान से देखिए 25% छूट दे रहा है, इसका मतलब 75% पर वह सेल कर रहा है, मतलब 75% पर वह वस्तु को बेच रहा है, इतना आप समझते होंगे। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो 600 का मतलब 600 रुपया अंकित मूल्य है, 25% डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 75% पर बेच रहा है, तो 600 का 75% होगा वही उसका सेलिंग प्राइस होगा, तो इसे हल कीजिए कितना हो जाएगा 75 × 6, तो 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42 और 3 = 45, यानी कि 450 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना होगा देखिए,
450 रुपया में बेचता है तो 30 रुपया की हानि होता है। 30 रुपया हानि आपका प्रश्न में दिया गया है, 30 रुपया हानि होता है। 450 रुपये में बेचता है तो 30 रुपया की हानि होता है, तो खरीदा होगा कितना में? 480 में। या फॉर्मूला से बनाएंगे तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है, यानी कि 450 रुपये में बेचता है तो 30 रुपये की हानि होता है, यानी कि खरीदा है कितना में? 480 रुपये में खरीदा है। तो प्रतिशत लॉस निकालना है तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बटा सीपी गुना सब, लॉस बटा सीपी गुना सब, ये आप जानते होंगे। तो लॉस कितना हुआ? 30 रुपया। तो 30 बटा सीपी कितना है? 480 और गुना सब, 1 0 से 1 0 48, 1/16 गुना सब, या 1/16 का फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते होंगे 6 पूर्णांक 1/4%। डायरेक्ट इसका हल करेंगे तो 1% पढ़ाएंगे तो इसे आप तुरंत बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। 6 पूर्णांक 1/4% आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। या 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25 भी, मतलब ये ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर ये सेकंड है। ऑप्शन नंबर कितना है? बी, जिसे बोल सकते हैं सेकंड भी। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 56 का, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बता दिए, 58 देखते हैं। 58 है जो वार ग्राफ है, जिसे आप DI बोलते हैं। तो देखते हैं 58 दिया गया डैम तारीख 2014 में और 2015 के दौरान कंपनी द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या लाखों में दर्शाता है। मतलब वही जो एक क्वेश्चन देखे थे वही है क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या कह रहा है जो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। दिया गया है कि 2014 में निर्यात किए गए बी डी और ई, 2014 में निर्यात किए गए, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, 2014 में बी डी और ई, तो 2014 में बी डी ई कितना है जो ध्यान से देखिए, बी 2014 वाला होता है जो डार्क वाला है, मतलब जो ब्लैक कलर का है, और 2015 में है जो व्हाइट कलर का है। तो देखिए बी में, बी टाइप में 2014 में मतलब डार्क वाला कितना है? 25। उसके बाद देखना है डी वाले में, तो डी वाले में कितना है डार्क वाला कितना है? 45। उसके बाद देखिए ई वाले में, ये कितना है? 45 लिखिए, डी वाले में कितना है? 45। उसी प्रकार से ई वाले में देखिए कितना है? 50। ई वाले में कितना है? 50। आपने देखा हमने क्या लिखा, 2014 वाला सभी लिखा, 2014 वाले लिखे बी डी और ई, 2014 में लिखे हैं, बी में कितना है 2014 में? 25, ठीक से लिखे, और बी में 45 और ई में 50। उसके बाद देखिए निर्यात किए गए कुल वाहनों की संख्या 2015 में निर्यात किए गए ए सी डी ई, 2015 में क्या बोल रहा है? ए सी डी और ई। तो ध्यान से देखिए 2015 वाला लिखना है, तो ए में जो पहले वाला है डार्क वाला 2014 का है, उसके बाद जो है ए में मतलब व्हाइट वाला थोड़ा है जो 2015 का है, मतलब कितना है? 35। ए में 35 है, सी में कितना है? 40 है, सी में 40 है। उसके बाद डी में देखना है, डी में कितना है? 55 है, डी में 55 है, और ई में कितना है? ई में 57 है, 57 है। तो पूछ रहा है कि ई के प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, मतलब ये इसका कितना परसेंट है जो पूछ रहा है। तो इससे पहले जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए कैसे जोड़ेंगे, जो भी 5 इसे दे देंगे तो 50 50 100, मतलब ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए इसे जोड़ने का काम, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसे, 5 5 10 7 17 हाथ में एक रहा, उसके बाद 3 4 7 और 5 5 10 17 1 18 हो गया, मतलब 120 है जो 187 का कितना परसेंट है, 120 187 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है। मतलब 120 बटा 187 लिखेंगे गुना 100, ये इसका कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का रहा था उसे हर में लिखते हैं, इसे हल करेंगे इतना परसेंट हो जाएगा। तो इसे हल करने में कुछ नहीं है, 187 से सिर्फ भाग दे दीजिए 12000 में, 1 0 2 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, तो हल करेंगे तो 18 6 78 18 6 26 से ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगा देंगे तो 6 7 42 4 18 6 78 से और बाकी 4 तो 112, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, ये तो इस तरह रह जाएगा 0। अब कई बार लगा देंगे, देखिए 18 4 72 18 5 94, मतलब 4 बार नहीं लगेगा, फिर दशमलव करके कुछ होगा, यानी कि 64 पॉइंट समथिंग ऑप्शन, देखिए 64 पॉइंट समथिंग ऑप्शन रहना चाहिए, 64.2% है, 64.2% ये ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 59 ध्यान से देखिए,
दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही 2019 का 1 जुलाई में पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत डिटेल से समझा रहे हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, ये दिया गया है बिक्री मूल्य के बराबर, तो जिसके बराबर दिया रहता है वो शुरू वाला होता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 72, हानि कितना दिया गया है, हानि हो रहा है, इसे आप हानि को लॉस भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, हानि कितना हो रहा है 72 रुपया बेचते हैं तो हानि हो रहा है 8 रुपया का, तो आपसे प्रतिशत लॉस पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज हानि कितना होगा। जो ध्यान से देखिए 72 रुपये में बेचता है तो 8 रुपये की हानि होता है, तो खरीदा होगा कितना में 72 + 8 यानी कि 80 रुपये में खरीदा होगा, तो परसेंट लॉस बराबर क्या होता है लॉस बटा सीपी गुना 100, इतना परसेंट लॉस होगा, तो लॉस कितना 8 रुपये लॉस हो रहा है, कितना पर, जितना पर खरीदा था मतलब 80 पर गुना 100, 8 दहे 80 ये 100 से 10 मतलब कितना 10% की हानि, ये आपके ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर सी है, इसे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 59 में। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 भी देख लेते हैं, बस इसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे।